बस हम लोग को समझ लिए जिला परिषद उनको हम लोग बना दिए हैं। क्या कारण है? शत्रुघ्न प्रसाद यादव के अलावा या दूसरा कोई नहीं? शत्रुघ्न यादव को हम लोग जिताएंगे। हम लोग और देख रहे हैं न्यूज फॉर बिहार। अभी हम उपस्थित है गोपालगंज जिला के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 में। अब हमारे साथ यहाँ मौजूद है शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी। पहले पूर्व मुखिया रह चुके हैं और एक पंचायत का नेतृत्व किए हैं, लेकिन अब जिला परिषद के लिए तैयारी में आए हैं। अभी आप दौरा कर जनसंपर्क लगातार बढ़ा रहे हैं और लगभग 7 से 8 पंचायत इसमें आता है, इसको आप कैसे नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, जिला परिषद से लड़ने की बात हमारे 7 पंचायत के जो लोग जो हम में विश्वास करते हैं, सभी लोग राय सलाह करके हमको अधिकृत किए कि नहीं, आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। फर्स्ट बात जो आपने बोला कि आप पंचायत का नेतृत्व किए हैं, सही बात है। हम लोकल पॉलिटिक्स में 2001 से हैं। फर्स्ट चुनाव हम 2001 में मुखिया का ग्राम पंचायत राज चमनपुरा से लड़े थे। उस समय हमको 1014 वोट मिला था, जो हमको हराया उसको 1200 वोट पाया था। कुछ वोट से हम 100 कुछ वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2006 में हम 1400 वोट से जीते, जो जिला में रिकॉर्ड वोट था। 2001 से ही हम पंचायत के राजनीति में, लोकल पॉलिटिक्स में हम हैं और लोगों की सेवा में हम हर समय दिन रात हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा में रहते हैं। 2001 से 2021 तक, ये 21 है, 20 साल लगभग हुआ, 20 साल से हम लोगों के बीच हैं। सबसे पहले सर, यहाँ जो विकास का मुद्दा है, आपका जो क्षेत्र है काफ़ी दिनों से यहाँ हम देख रहे हैं, जो भी यहाँ जिला यहाँ जो चीज़ विकास के साथ में बहुत कठिन बनी है, क्या आपको लगता है आप रोजगार का मौका देती है तो विकास पर कैसे राय, क्या काम कीजिए? देखिए, जिला परिषद का जो बात है, जब हम लोग गांव में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों में उदासी रहता है। लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन लोगों की भावनाओं को देख करके लगता है कि इस पोस्ट से लोग निष्क्रिय हो गए हैं, जिला परिषद के पोस्ट से लोग निष्क्रिय हो गए हैं। क्योंकि जो लोग इस पोस्ट के लिए निर्वाचित हुए हैं, वे लोग खड़े नहीं उतरे हैं। जो जिला परिषद से जीतता है, लोगों के बीच में नहीं रहता है। जीतने के बाद 5 साल लोगों के बीच में नहीं रहता है, लोगों के सुख दुख में नहीं रहता है। जब हम दूसरे के सुख दुख में नहीं रहेंगे, लोगों की नज़र के सामने नहीं रहेंगे, हम दूसरे के किसी भी काम नहीं आएंगे, तो फिर लोग हमको चाहे इस पोस्ट को माने सही ढंग से नहीं लेगा कि हाँ यह पोस्ट है। लोग जानते हैं कि पंचायत चुनाव में सिर्फ मुखिया का ही पोस्ट होता है जो पावरफुल होता है, जबकि जिला परिषद का जो पोस्ट है वो 7 पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। 7 पंचायत से वो जीतता है। बताइए, जो 7 पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, क्या उसके पास पावर नहीं है? है, लेकिन जो लोग जीते हैं इस पावर को नहीं समझे हैं। जब हम इस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं और जब इस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, पावरें नहीं समझते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो हम क्या लोगों का सेवा करेंगे, क्या लोगों का हम काम कराएंगे? देखिए, हमारा विजन है, यदि हमको लोग निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं, तो सबसे पहले मैं जिला में 7 पंचायत के लोगों के लिए एक फ्लैट लेंगे। जो कोई किसी काम के लिए जाता है, जो लोगों को असुविधा होती है, ये मैं समझिए कि घोषणा कर रहा हूँ, जीतने के बाद वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। कोई किसी काम के लिए जाएगा, वहाँ मैं उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ। मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा और लोगों के हर काम में मैं शामिल रहूँगा और काम कराऊँगा। दूसरी बात, पंचायत में भी मेरा एक कार्यालय होगा। ये 100% मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ हम लोग नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और सप्ताह में एक दिन
आपके चैनल के माध्यम से हम सातों पंचायत के लोगों से कहना चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन हम अपने जो कार्यालय हर पंचायत में हम खोलेंगे उसमें हम आएंगे और पंचायत के जो जन शिकायत होगा, जन समस्या होगा, उसको हम अपने पास नोट करेंगे और अगर उन लोगों को जिला जाना होगा चाहे ब्लॉक जाना होगा अपने साथ लेकर के जाएंगे और काम कराएंगे। ये यहाँ के लोग जो हमसे जुड़े हैं वो हमारे गुण अवगुण को जानते हैं, 20 साल से लोगों के बीच हैं और लोग हमको रखे हैं। चलिए तो आपसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये शत्रुघ्न यादव हैं जो जिला परिषद क्षेत्र संघ असल रहे हैं, ये अपनी जो कार्य योजना है वो हमारी आपके जो सामने है वो आपको पेश किए। तब तक बने रहिए न्यूज़ फॉर बिहार के साथ, मैं विनोद।